कारगिल विजय दिवस के दिन अपने एक्स सर्विसमैन ब्रिगेड के हाथों पौधारोपण करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। क्लब के महासचिव संजीव शर्मा और धर्मेश राणा ने बताया कि ग्राम पंचायत हुगली में और ग्राम पंचायत पांडवी के मैड़ गांव में बुजुर्गों के हाथों से पौधे लगाए गए और उसके अलावा वहाँ लोगों को फलदार पौधे अपने घर आंगन में लगाने के लिए भी बांटे गए और सबसे प्रार्थना करी कि सब लोग अपने बुजुर्गों के हाथों आज के दिन ये पौधा लगाकर कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। दीगर है कि पिछले 3 हफ्तों से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब की ये मुहिम अपने बुजुर्गों के हाथों से फलदार पौधे लगाने की लगातार जारी है और अब तक हमीरपुर मंडल की 7 पंचायतों को फैन क्लब के सदस्य बुजुर्गों के हाथों अपने घर आंगन में फलदार पौधे लगाने के लिए बांट चुके हैं। इस अवसर पर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस पर ये पौधे लगाकर हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जैसे पौधे सदियों तक अपनी छांव अपने फल हमारे आने वाली पीढ़ियों को देते रहेंगे, उसी तरह शहीदों की जो कुर्बानी है उसको भी हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भुला पाएंगी। यही उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज दिवस मनाया गया और फैन क्लब पुष्पेंद्र वर्मा की तरफ से ये एक कार्यक्रम जो शहीद हुए हैं उनके लिए, उनकी याद में डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी के कार्यक्रम द्वारा फैंस क्लब हमीरपुर की तरफ से ये पौधारोपण किया गया है। जुलाई 2020 कारगिल दिवस आज उखली गांव में उन शहीदों की याद में जो कि कारगिल में शहीद हुए उनके नाम से उखली गांव में एक फलदार पौधा लगाया ताकि जब फल दे तो इन लोगों को उन शहीदों की याद आती रहे। ये फैंस क्लब हमीरपुर द्वारा पौधारोपण किया गया।